एवरीवन, हमने लास्ट टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीखा था, अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन सीखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर जो है वो हमारा बेस रेडियस होगा और एच जो है वो हमारी हाइट होगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 13.7 शुरू करेंगे। अब एक्सरसाइज 13.7 जो है, जो पेज नंबर 233 पे है, उसमें मैं आपको फर्स्ट करवाऊंगी और लास्ट करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, और दूसरा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो हमने पहला वाला लिया जिसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है, हमें वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने सब कुछ रखा, 1/3 पाई की जगह पे हमें बोला गया कि 22/7 अज्यूम करना है, तो 22/7 आर हमारा है 6 × 6 और हाइट है हमारी 7। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारा पहला वॉल्यूम। दूसरे में क्या है, हमारा रेडियस 3.5 है और हाइट हमारी 12 है, हाँ 12 है। तो ये जो 3.5 है ना, इनका हमने हमने लिख लिया 7/2 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 ही होता है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 12 हमने इसे सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब नाइन्थ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ में क्या पूछा है, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब कोनिकल हीप है, ठीक है, और हमें उसमें डायामीटर दिया गया है 10.5। तो हम रेडियस के लिए डी बाई टू करेंगे, तो 10.5/2 मतलब 105/20, ठीक है। और हाइट हमें दी गई है 3, तो हाइट है हमारी 3 मीटर। अब हमने पहले वॉल्यूम ढूंढा, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ व्हीट मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 × पाई 22.7 × रेडियस, हमने अभी यहाँ पे देखा था 105/20। तो 105/20 × 105/20 × हाइट 3, तो हमें वॉल्यूम कितना मिला, 86.625 मीटर। अब हमारे पास जो ये गेहूं का ढेर मतलब जो हीप है, उसे हमें कैनवास से कवर करना है ताकि वो बारिश से बच सके। तो हमें उसे कैनवास से कवर करना है, तो मतलब हमें उसमें सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, मतलब हमें उसमें सीएसए लेना पड़ेगा। पर सीएसए के फॉर्मूला में एल होता है, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है कोन का, और हमें एल यहाँ पे पता नहीं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ से एल ढूंढा, आर की जगह पर 105/20 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसे हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 6.05 मीटर। ओके, अब सी एस ए ऑफ अ कोनिकल हीप विच इज इक्वल टू पाई आर एल। तो हमने 22/7 × 105/20 × हमने एल अभी ढूंढा, 6.05 मीटर मतलब 6.05 मीटर स्क्वायर, मतलब नाइन हमें क्या मिला, 99.825 मीटर स्क्वायर, मतलब हमें 99.825 मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए होगा वो कोनिकल हीप ऑफ व्हीट को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कोन का खत्म हुआ। लास्ट नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर।